अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं और किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं लाइक ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड, तो आपको इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है लाइक आयल्स और टोफल। पर ये दोनों एग्जाम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं, इसलिए एक और एग्जाम होता है जिसे बोलते हैं डुओलिंगो इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे 4000 प्लस यूनिवर्सिटीज द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मेजरली एक्सेप्टेड बाय यूएस, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। यू कैन गिव दिस एग्जाम एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम योर होम, एंड द बेस्ट पार्ट इज किसका रिजल्ट 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। अगर आप स्टडी पर्पस के लिए या फिर वर्क पर्पस के लिए किसी और कंट्री में माइग्रेट होना चाहते हैं जहाँ पर इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज है, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी या फिर पासपोर्ट होना चाहिए टू रजिस्टर फॉर दिस टेस्ट। डुओलिंगो इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट एक अडेप्टिव एग्जाम होता है जिसके अंदर 4 सेक्शन आते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इस तरह के एग्जाम में जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होते जाता है, और इस तरह के एग्जाम में अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया या फिर उसका आंसर सबमिट कर दिया तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व नहीं कर सकते। ये एग्जाम टोटल 1 घंटे का होता है जिसमें से 45 मिनट्स अडेप्टिव एग्जाम के लिए होते हैं और 10 मिनट वीडियो इंटरव्यू के लिए होता है जिसमें आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज का टेस्ट लिया जाता है। इस एग्जाम का रिजल्ट 10 से लेकर 160 की स्केल पर रिपोर्ट किया जाता है। अगर आपके स्कोर 140 प्लस आते हैं तो एक गुड स्कोर कंसिडर किया जाता है, और इस टेस्ट को देने का एक फायदा यह है आप इसके स्कोर को जितने मर्जी यूनिवर्सिटीज में सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। इस एग्जाम का रिजल्ट 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। आप इस एग्जाम को घर बैठे दे सकते हो, लेकिन आपको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आप जिस भी रूम में इस एग्जाम को देंगे वहां पर कोई और नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो हेडफोन इन योर ईयर, यू कैन नॉट टर्न योर हेड हेयर एंड देयर, और आपके पास जो भी कंप्यूटर है वह विंडोज या मैक होना चाहिए। आपके कंप्यूटर में फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, एक माइक्रोफोन होना चाहिए और एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इस एग्जाम की फीस $49 है, जो कि इंडियन रुपीज में 3800 रुपीज के अराउंड होती है। यू कैन ऑल्सो गिव दिस टेस्ट फॉर फ्री बाई गेटिंग फी वेवियर इफ योर फैमिली इनकम इज लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच किया है, वहाँ विजिट करके आप इन सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर बात करें इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं जस्ट लाइक आयल्स या फिर टोफल। देयर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम हिमसेल्फ। दोस्तों, यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है टीचर ल्यूक, जो कि सिर्फ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। आप उस चैनल की भी हेल्प ले सकते हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। सो दोस्तों, दैट्स इट। आई थिंक मैंने आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सभी कमेंट्स के रिप्लाई देने की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। धन्यवाद।